थैंक यू आइए मैम शिवांगी जी लाइव बोल अरे जन मैं कर दिया ना देखना आप वो टेबल भी नहीं देख सकते कैमरे में आ रहा है प्लीज इस तरह सही है रहने दो यार नहीं आ रहा है आ रहा है अभी भी आ रही है प्रथम तो विशाल बूम हटाओ थोड़ा विशाल बूम हटाओ थोड़ा विशाल सब सब जाओ ये लास्ट है जनता अगर आपको करना है तो आज उन्हें घर जाना पड़ेगा आप डिसाइड कर लो अरे मैडम किशन पहले बोल दो क्या हुआ भाई चलो फोन डायरेक्ट आ रहा है चलो भाई नहीं आ रहा फ्रेम में किसको मैम यू हैव टू लुक दिस कैमरा सेंटर के रूम नीचे ले लो थोड़ा नीचे लेना थोड़ा नीचे ले प्रभात रोलिंग फर्स्टली मैम इट्स अ ग्रेट फॉर योर फैंस टू सी यू इन खतरों के खिलाड़ी They are very excited. How excited are you to go into the show and explore the, all the things, all reality show? I'm equally excited because I always wanted to do a show where I could explore my potential and it's the perfect show for that. It's my debut reality show, so super excited. And debut mein Khatron Ke Khiladi karna, it's very difficult because Khatron Ke Khiladi karna, it's like physical, you have to be fit, mentally fit. So are you fit for every point which I told you? हाँ खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जहाँ पे आई थिंक फिजिकल एंड्योरेंस के साथ साथ मेंटली फिट होना भी मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है सो आई एम वर्किंग ऑन इट सब चीज़ों में चल रही है मेहनत वर्क इन प्रोग्रेस एंड व्हाट वाज़ द फर्स्ट थॉट दैट केम इन योर माइंड जब आपको कॉल आया खतरों के खिलाड़ी खतरों के खिलाड़ी के लिए एक्चुअली मुझे पहले भी कई बार कॉल आ चुके हैं लेकिन तब हो नहीं पाया था पॉसिबल अभी पॉसिबल हो रहा है सो आई एम डूइंग इट And I'm happy यार my family is they're more happy because वो हमेशा से चाहती थी कि मैं खतरों के खिलाड़ी जैसा शो करूँ खतरों के खिलाड़ी करूँ सो सब लोग बहुत खुश हैं यार I'm happy that I'm doing it क्या आपने देखा जो तीन स्टंट होते हैं काफ़ी खतरनाक होते हैं पानी में जाके खोलना होता है ताले की चाबी वो देखा है आपने उस स्टंट को काफ़ी डरावना स्टंट होता है वो आपने देखा है दूसरा गाड़ी का एक स्टंट होता है वो भी और एक सांप का स्टंट होता है वो आपने देखा है कि नहीं तीनों स्टंट वेरी इंपॉर्टेंट स्टंट जो फिनाले के लिए जाने के लिए नहीं मैंने सारे स्टंट्स देखे हैं अर्जुन नहीं कर पाए थे वो स्टंट एक पानी वाला स्टंट पिछले अच्छा वो मुझे याद नहीं है लेकिन उन्होंने सारे स्टंट्स क्योंकि थैंक यू उन्होंने सारे स्टंट्स क्योंकि बहुत अच्छे से किए हैं जितने मैंने देखे हैं और बिल्कुल बाकी स्टंट्स भी देखे हैं मैंने एंड आई एम होपिंग कि मैं भी सभी की तरह उन्हें अच्छे से कर पाऊँ मैम कई अलग कंटेस्टेंट है कोई ऐसा कंटेस्टेंट जिसके लिए कोई कुछ प्रिपरेशन आपने की है contestants ke liye yeah because we have elimination task mein you have to do one on one with the contestant koi aisa because aap sabke beech mein ek aisa contestant hai jo haal hi mein ek show jeeta hai main munawar farooqi ki baat kar raha hu uske liye koi kyunki unka game plan kafi strong tha lockup mein unke liye koi preparation aapne ki pehle to bahut bahut congratulations munawar ko for winning lockup season 1 and जहाँ तक इस शो की बात है मुझे लगता है इस शो का फॉर्मेट बाकी सभी शोज से काफ़ी अलग है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी के साथ आप ये शो खेल सकते हो बिकॉज ये स्टंट बेस्ड है करवा सकता है मतलब दूसरे के साथ मिलके वैसा करवा सकता है उसके लिए मतलब आपको खुद भी मेंटली होना चाहिए इसका कहना वो है और एक टास्क रहता है फाइनल में भी एक टास्क रहता है जहाँ पे चाबी खोल के आप सिद्धार्थ शुक्ला ने वो टास्क जीता था सना सैयद थी उनके सामने सिद्धार्थ शुक्ला ने वो टास्क जीता था उसमें मेंटली फिजिकली यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग जब सपोज फाइनल टास्क है मुनावर इज देयर एंड यू आर देयर आर यू प्रिपेयर फॉर दैट मैम आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी जहाँ सारे स्टंट्स हो रहे हैं मुझे आंसर तो करने दो जहाँ सारे स्टंट्स होने वाले हैं तो मैं सभी को यार आई वुड मैं सभी को विश करना चाहूँगी लक कि सभी अच्छा करें और मैं भी अपना बेस्ट दूँगी एंड आई होप कि मैं सभी स्टंट्स कर पाऊँ मेरे जितने भी फियर्स हैं मैं सबको कॉन्कर कर पाऊँ मैम टीवी की मैं बात करूँ आपका शो ने काफ़ी सालों तक रोल किया है आपके किरदार को काफ़ी सराहा गया फर्स्ट टाइम रियलिटी शो इज दिस अ न्यू बिगनिंग फॉर योर फैंस के लिए आपके लिए जी हाँ इट्स माई फर्स्ट रियलिटी शो सो आई एम एक्साइटेड क्योंकि पीपल विल गेट टू सी अ डिफरेंट साइड ऑफ मी और रियल साइड ऑफ शिवांगी एंड आई नो हाउ मच माई ऑडियंस लव्स मी एंड सो आई एम एक्साइटेड फॉर देम टू
टू सी अ डिफरेंट अंदाज ऑफ मी. शिवांगी, किसी से टिप्स लेने की कोशिश की जो इस शो में पहले जा चुके हैं? यार फिलहाल तो मैं सारे सीजन देख रही हूँ और मैं उन्हें देख देख के ज़्यादा समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे स्टंट्स ऐसे होते हैं ना जो शायद हर किसी का हर स्टंट को लेके एक्सपीरियंस अलग होता है. रोहित सर से मिलने के लिए कितने, क्योंकि रोहित सर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, अगर आप स्टंट परफॉर्म नहीं करते हो तो इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. उनसे मिलने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड, आर यू नर्वस, आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू मीट रोहित सर बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज मूवीज एंड ही सो सपोर्टिव. जहाँ तक स्ट्रिक्ट होने की बात है सो आई थिंक वो शायद लोगों के अच्छे के लिए ही होता है जितना मैंने देखा है. और ही इज़ वेरी सपोर्टिव यार. जहाँ लोग जो स्टंट्स मैंने देखे हैं कि यू नो जब लोगों को लगता है कि उनसे शायद नहीं हो रहा है दे वांट टू अबॉर्ट, वहाँ पे वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको यू नो स्ट्रेंथ देते हैं दैट यू कैन डू इट. एंड कई लोग उनके उस चीज़ के बाद वो स्टंट्स कर भी पाए हैं. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम. मैम टीवी कलाकार की बात करें तो टीवी कलाकार हमेशा एक्सप्लोर पहला बिग बॉस करता है फिर खतरों के खिलाड़ी करता है, बट यू आर एक्सप्लोरिंग खतरों के खिलाड़ी, वो उसके बारे में कुछ बता सकते हो मैम? मुझे लगता है व्हाई नॉट बिग बॉस वाज द फर्स्ट चॉइस ऑफ योर साइड, फ्रॉम योर साइड? क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि मेरे डेब्यू रियलिटी शो के लिए इस शो से बेटर कोई और शो नहीं हो सकता. लास्टली अ स्मॉल मैसेज टू ऑल योर फैंस मैम. मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर ऑलवेज लविंग मी एंड फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी. यू गाइज आर द बेस्ट यार. आप लोग की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ. सो कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी एंड आई विल डू माई बेस्ट टू एंटरटेन यू गाइज. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सी यू विद द टॉपिक. थैंक यू. शिवांगी जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. नाइस वॉच चुपारी मैंने मिलेगी मिलेगी नहीं नजर बदल गई. थैंक यू मैम. थैंक यू.